प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस तालुक से। अच्छा, मेन आज का जो रीज़न था आप लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि हमने बीबी का मकबरा से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से वो एनक्रोचमेंट हटाया है और उसके अगेंस्ट में लोग बहुत वो कर रहे हैं कि वो उनका ज़मीन है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1971 के बाद जो रीनंबरिंग हुई थी उसके बाद ASI का नंबर नाम नहीं चढ़ा है उसके ऊपर। इसी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोगों ने ASI के और भी ज़मीन है वहाँ पे, जिसको अभी हमें पूरा डिटेल्स पता नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे लेने का, और हम चाहते हैं कि लोकल लोग, आप प्रेस मीडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे जो बेमानी लोग उसके ऊपर अपना कब्जा करके रखे हैं, इनको हटाने में हमको ASI को मदद करें, क्योंकि जब तक आप लोगों का सहायता नहीं मिलेगा, क्योंकि हम खाली अपने एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन एनफोर्स करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है एक्ट में, तो वो हम कोऑपरेशन चाहते हैं और इसमें वो विल पैदा करने के लिए लोकल लोगों को भी आगे आना है। सर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी बताया कुछ प्रॉपर्टीज़ औरंगाबाद में है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आपने कहा कि क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, निज़ाम्स के प्रॉपर्टी एक तो दो उसमें होगा, जैसे अभी मॉन्यूमेंट का हिसाब से अगर है तो 1949 में प्रिंसली स्टेट सब बंद हो गए, तो निज़ाम ने अगर किसी को मुतवली बनाया या किसी को केयरटेकर बनाया, वो राइट्स उसी दिन ख़त्म हो गई जिस दिन वो इंडियन यूनियन में मर्ज हुआ, तो उन लोगों का कोई हक ही नहीं बनता उसके बाद उस पर। तो वो लोगों के जो हक जो मांग रहे हैं कि हमारा इस पर राइट है, वो गलत है, और इसी बेसिस पे हम इसको अभी आगे लड़ के इसको ख़त्म करना है केस को। ये जगह के जो डॉक्यूमेंट और उसके PR कार्ड के ताल्लुक से क्या क्या है आपके पास से? नहीं, अभी 71 के रिकॉर्ड्स में सीधा लिखा हुआ है मध्यवर्ती सरकार प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद जो नंबर चेंज हुआ उसको लोगों ने मैनिपुलेट किया, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जैसे एक ज़मीन जो पांडे के नाम पे हो गया है, जयराज पांडे जी के नाम पे, वो ज़मीन भी 135 का पार्ट था, 164 नहीं, मैंने अभी जो नंबर है अभी 20760, वो तो नंबर अभी डाला है, तो वो किसका पार्ट था? 1636। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, 1636 का पार्ट था, उसको इन लोगों ने ज़बरदस्ती दूसरा नंबर दे के, ये बिना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेल्प का नहीं हो सकता, तो इन लोगों जो इसके साथ मिले हुए हैं उनको भी पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर को आप अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टाइम पे करके उसको वो कर दिया और अभी भी PR कार्ड में हमारा नाम नहीं चढ़ा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो 1971 में जो प्रोविजंस थे और जो ज़मीन था उसके मुताबिक फिर से रीड क्या बोलते हैं मेजरमेंट होना चाहिए पूरे ज़मीन का, और वो ASI को हैंड ओवर करना चाहिए। सर, इल्यूमिनेशन के बारे में बताइए। इल्यूमिनेशन हमने कराड़ साहब का पहले वो था, वो उन्होंने शुरू किया था, तो हमने गुजरात से जो आदमी वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का इल्यूमिनेशन किए उनको हम बुलाए थे, उन्होंने बीबी का मकबरा, दौलताबाद का इल्यूमिनेशन कम लाइट एंड साउंड, और कृष्णेश्वर का इल्यूमिनेशन, और दो तीन स्टेट के मॉन्यूमेंट्स थे उसका इल्यूमिनेशन का प्रोजेक्ट पूरा बना के MTDC को दिया था, और मुझे मालूम है कि उन्होंने पर्सनली सबका DPR बना के सबमिट किया है। बीबी का मकबरा का ऑलमोस्ट 5 crore के करीब का एस्टिमेट था विथ 5 years मेंटेनेंस, क्योंकि ASI का कंडीशन यह है कि कोई भी इल्यूमिनेशन करेगा तो उसको 5 years का उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा, तो अभी पता नहीं कहाँ पे क्या स्टेज में है, लेकिन लास्ट मेरा जो AMC कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी उसमें वो बोले कि थ्रू MTDC उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गया है ये करने के लिए, बट बजट अबाउट 2.4 या 2.5 crore है, तो पता नहीं अब कैसे वो लोग किस तरह से वो करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोजेक्ट सब पहले सबमिट कीजिए, फिर DG ऑफिस जाएगा हमारा दिल्ली में, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद फिर आप ले सकते हैं। थैंक यू सर, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर मिलन कुमार चौले, सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट औरंगाबाद सर्कल। थैंक यू। तो अच्छा होता क्योंकि खुला जगह रहे तो लोग को आके गाड़ी पार्किंग के लिए प्रॉब्लम नहीं हो, आपको घूमने के लिए ज़्यादा वो नहीं हो, आपके वेंडर्स वहाँ पे हैं, आपके गाड़ियाँ उसके सामने से जा रहे। तो हमने AMC के साथ मिलकर सोचा था कि उस एरिया को पूरा पेडेस्ट्रनाइज करेंगे, जिस तरह मैं तेलंगाना में था तो वहाँ पे चारमीनार, आप लोग सुने होंगे, चारमीनार के चारों तरफ पूरा शॉप से सब हटा के और ट्रैफिक भी हटा के पूरा पेव करके उसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है।
तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से पूरे औरंगाबाद में मेरे पास जो 6 टिकटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, आपका ये क्या बोलता है बीबी का मकबरा में सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है। अभी लास्ट टाइम जो पैंडेमिक खुला था, जितना भी टिकट हम खोलते हैं फुल के फुल सेल हो जाते हैं। उसके बाद भी, और मैं सुना पीक में 5,000-6,000 तक लोग पर डे आते हैं, माइनस 15 ईयर्स से नीचे वाले। तो आप सोच सकते हैं एक दिन में 6,000-7,000 लोग विजिट करते हैं। तो ये जयराज पांडे की तरह वो बीच में हमको बहुत तकलीफ किया, मुझे समझ में नहीं आता किस तरह से उसमें किसी को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं, जो हो गया हो गया। तो अभी हमने उसको वहाँ से हटाया, तो बहुत जगहों में वो क्लेम कर रहा है कि वो ज़मीन उसकी है। तो ये आज हम आपको थोड़ा सा एक पेपर्स भी दिखाएंगे, और कुछ पेपर्स हमारे पास नहीं था, वो 2 साल पहले मिला, इसीलिए हम थोड़ा कॉन्फिडेंट थे। और फिर AMC को वो दिखाने के बाद उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि वो ज़मीन ASI का ही है, क्योंकि 1971 में जब ये लैंड रिकॉर्ड्स में नंबर चेंज नहीं हुआ था, उस समय में क्लियरली लिखा हुआ है मध्यवर्ग की सरकार प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ज़मीन है। लेकिन 71 के बाद जो चेंज हुआ वो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया नहीं, उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में आया नहीं। इसीलिए ये बीच के लोग जो है, ये पांडे जैसे हो गए और साइड में और अफसर खान हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ज़मीन, अभी तो खाली 2 जमीन का क्लेम चल रहा है, लेकिन अगर ठीक तरह से देखा जाए तो हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ज़मीन हैं जिसके ऊपर आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये आप प्रेस का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा उभार के अगर लेके आए। और ये जो लोग जानबूझ के खाली प्रॉपर्टी के क्या बोलते हैं फिरात में गवर्नमेंट ज़मीन को कब्जा करके रखे हैं, ये सब हटना चाहिए। और मॉन्यूमेंट के सामने जितना खाली रहे, आप अगर अभी उड़ीसा जाके देखेंगे पूरी टेम्पल और लिंगराज टेम्पल के आसपास में, गवर्नमेंट ने 400-500 साल पुराने बिल्डिंग्स को भी हटा दिया, पूरा निकाल के उसको डेवलप किया है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं चाहता हूँ कि अगर हम औरंगाबाद में भी इस तरह से हमारे मॉन्यूमेंट्स के सामने करें, खाली ये बीबी का मकबरा से मतलब नहीं है, आपका दौलताबाद भी ये है, हमने वहाँ से वो दुकान वालों को हटाने का कोशिश किया, वो कोर्ट में चले गए। उसका सच्चाई ये है कि वो ज़मीन जो आगे की है वो गवर्नमेंट ने 2002 में हमें दिया ASI को, उसमें जो टाइटल दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली फॉर रिमूविंग एनक्रोचमेंट द लैंड इज हैंडेड ओवर टू ASI। उसके बाद कुछ साल पहले CM फंड से हमें 1,47,00,000 दिया गया बाउंड्री वॉल बनाने के लिए। वो बाउंड्री वॉल बनाने के बाद उसके अंदर ये लोग घुस गए, वो भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, और मुझे समझ भी नहीं आता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे ऐसे केसेस को क्यों लेते हैं। जब आपका एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई जाता है, आपको पता है क्या बोलते हैं डीड्स क्या है, रिपोर्ट क्या है, और गवर्नमेंट वो है कि स्टेट गवर्नमेंट से ASI को ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ था, उसको कोर्ट को इमीडिएटली अदर एक हेयरिंग या 2 हेयरिंग में ख़त्म कर देना चाहिए। 8 हेयरिंग हो, मैंने सिटिंग्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। उसके मारे हम वहाँ पे टिकट काउंटर, टॉयलेट ये सब देना चाहते हैं, उसके अंदर अगर दुकान वाले घुस जाए तो लोगों को कहाँ से वो होगा, पार्किंग का जगह नहीं है, हमारा जो जगह है वही पार्किंग के लिए यूज़ हो रहा है, उसके अंदर अगर शॉप्स वाले घुस जाएंगे तो हम कहाँ से उनको कंट्रोल करेंगे। और लीगली ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा मिल के, अभी जलील साहब भी आए थे, मैंने उनको भी बोला, अपोजिट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा एरिया डेवलप किया था, तो थोड़ा सा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ASI और लाइक माइंडेड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अगर बैठ के इस चीज़ को सेटल करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोकल लोगों की नौकरी चले जाए, शॉप्स रहनी चाहिए लेकिन एक सिस्टमेटिक प्लेस में हो, प्रॉपर पार्किंग हो, उसके चारों तरफ दुकान बनाए। लेकिन रोड में होने से हमारे ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कुछ दिन हमेशा वहाँ पे छोटे मोटे तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जो बड़ा होता है वही रिपोर्ट होता है। तो ये सब चीज़ कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया जो बोलता है लोग समझते हैं। इसी तरह से कृष्णेश्वर आप देख लीजिए, आगे इतना गंदा लगता है, तो उसको भी अगर साफ किया जाए, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ बहुत साल से प्रोजेक्ट चल रहा है कि उनको रिहैबिलिटेट कहीं करके वो पूरा एरिया खाली करना है, लेकिन इसको हो के बहुत साल हो गए, और वो सब इलीगल कंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, क्योंकि ASI का 14 एकड़ ज़मीन है। जिस तरह से बीबी का मकबरा का क्लेम ये लोग कर रहे हैं, उसी तरह से वहाँ पे भी एक पंडित है, वो क्लेम करता है कि वो उसका ओनर है, लेकिन आप अगर पेपर का 7-12 देखेंगे उसमें ही इज़ ए केयर टेकर, और वो
जो पुराना लाइनेज से आ रहा है दे आर ओनली केयर टेकर्स, जमीन जो है वो कृष्णेश्वर का है, तो ऐसे लोग ओनर नहीं होते, वो केयरटेकर थे पहले। लेकिन ये सब के सब जितने मॉन्यूमेंट्स आपके मराठवाड़ा में है, ये सब के सब आप अगर गेजेट नोटिफिकेशन दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें लिखा हुआ हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद स्टेट मतलब निज़ाम के अंडर में जितने मॉन्यूमेंट्स थे ये क्या बोलता है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, ये सब के सब 1951 के नोटिफिकेशन के बाद ASI को दे दिया गया था। तो केयरटेकरशिप इन लोगों से हटके ASI को दे दिया गया, तो जो काम वो पहले कर रहे थे वो अब ASI कर रहा है। तो हमारा ओनरशिप हो गया है उस जमीन के ऊपर, और वो जमीन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमने, आप अगर कृष्णेश्वर जाते हैं वहाँ टॉयलेट दिए है, रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए क्योंकि दुकान हो गया है। तो ये सब चीज़ को अगर आप मीडिया ठीक तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं आप मीडिया का स्ट्रेंथ बहुत होता है, मैंने जब हैदराबाद में था चार मीनार के हमारे मॉन्यूमेंट के अंदर में पुलिस की चौकी घुसी हुई थी 2002 ब्लास्ट के बाद से। इंडियन एक्सप्रेस वाले ने आके, मैंने नया DG पुलिस चेंज हुए, मैंने एक चिट्ठी दिया, उन्होंने आके जब मुझसे पूछा, मैं बोला कि मैंने ऐसे किया, उन्होंने वो चिट्ठी को इंडियन एक्सप्रेस में छापा। और मैं इसीलिए मैं आपका ताकत को बहुत मानता हूँ, दो दिन के अंदर DG पुलिस ने वो चौकी वहाँ से हटा दिया जो 2002 से वहाँ था, 2019 में वो चले गए। रोल करना सर, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो अतिक्रमण आप निकालने जा रहे हैं अभी, क्या उसकी स्थिति है, किस तरह से अतिक्रमण सभी मॉन्यूमेंट्स में हुए हैं, क्या बात है? देखिए, ये अभी तो हमने बीबी का मकबरा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से हटाया है। ये 2011 में जुडिशियरी ने उसके नाम पे कर दिया जमीन, तो उसने सोचा कि उसका ज़मीन है और वो कर दिया। 2015 में उसका टाइटल हटा दिया गया, उसका नाम, उस ओनरशिप उसके ऊपर से, क्योंकि 1971 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ज़मीन ASI की है, और रूल के मुताबिक भी, क्योंकि ये लीगल पॉइंट बहुत लोगों को नहीं मालूम है, ये है कि आपका जब ये पूरा हैदराबाद स्टेट के अंदर में आता था मराठवाड़ा, तो निज़ाम इसको हैदराबाद से कंट्रोल करते थे, और 49 में जब ये इंडिया का पार्ट हो गया, तो उस समय चाहे वो किसी को केयरटेकर बनाए थे या कोई मुतवली था, उनके जो राइट्स थे वो उसी दिन ख़त्म हो गए। और 1951 के गेजेट नोटिफिकेशंस के मुताबिक ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैदराबाद स्टेट के अंडर आता था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो उस दिन से ये जितने मॉन्यूमेंट्स है और उसके साथ जितने ज़मीन जुड़े हुए थे वो ASI का प्रॉपर्टी हो गया। तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि हमारे एक्ट के मुताबिक ASI खाली एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, इसको एनफोर्स करने का जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, तो हम खाली नोटिसेस इशू करते हैं। और अभी तक ये नहीं है कि हमने नोटिसेस इशू नहीं किया है, हम 2011 से नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुआ था। और अभी क्योंकि हमें 1971 वाला जो रिकॉर्ड है वो 2 साल पहले ही हमारे हाथ लगा है, जिसमें क्लियरली दिया हुआ है कि ये ज़मीन जो आसपास के हैं वो ASI के हैं। तो ये तो अभी इनिशियली हमने शुरू किया है, इसको हटाया है, क्योंकि हमारा बाउंड्री वॉल के अंदर ये बना के बैठे हुए थे और ये बहुत ही गलत चीज़ था। और अभी जब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिखा है कि हमारा पूरा एरिया को डिमार्केट करके हमको फिर से बताया जाए, तो उसमें भी जो लोग अगर ज़बरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं तो वो भी हटेंगे धीरे धीरे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग को भी आगे आना है, क्योंकि बीवी का मकबरा हो, दौलताबाद हो, कृष्णेश्वर मंदिर हो, जो भी मॉन्यूमेंट है, चाहे ASI का हो या स्टेट का प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि टूरिज्म उसके ऊपर बसा हुआ है, और टूरिज्म के लिए आपको कुछ फैसिलिटीज़ देना है जहाँ पे उनको हरासमेंट नहीं हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि उनको लगे कि बार बार हम आ सकते हैं और ये हमारा चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए आपको सब लोकल लोगों को मिलकर उसमें सपोर्ट करना है, और ASI तो खाली मॉन्यूमेंट देखता है, लेकिन हम स्टेट की प्रॉपर्टी है, हम उसको खाली सेंट्रल की तरफ से देख रहे हैं। तो ये चीज़ मानते हुए हमें डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। सर, अभी जो इंक्रोचमेंट्स लेफ्ट साइड में हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अभी तो देखिए, हमारा ज़मीन रिकॉर्ड के मुताबिक जो अभी हमारे पास है वो जो अभी रोड हमने काम बंद करवाया था वहीं तक है,
लेकिन एक बार डिमार्केशन हो जाए, क्योंकि आज तक पूरा ज़मीन का माप ASI ने कभी मांगा नहीं था, अब हम मांग रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमारा पूरा एरिया को माप के हमको बताएं। और ये जो बीच में वफ वाले बीच में जो बोल रहे हैं कि 200x175 उनका है, उसमें भी वफ का जो आपका नोटिफिकेशन निकाला उसके साथ कोई मैप अटैच नहीं है, तो वो भी मैं डाउट करता हूँ कि कौन सा जगह है, कहाँ है। तो हमने वही वो भी मांगा है उनसे कि वो डिफाइन करके हमें बताए कि कहाँ है। तो ये सब चीज़ जब सेटल हो जाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्टली कितना ज़मीन ASI का है और कितने के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ASI हटवाएगा। सर, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके जो डिज़ाइन से या मैप्स है उसका कोई भी जो उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑन पेपर नहीं है, ऐसा आप बता रहे हैं। वो वहाँ पे खाली लैंड हिस्टोरिकल है वही उसका, या गवर्नमेंट लैंड है वो दिखाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट कौन से है वो उसमें कई जगह पे नहीं लिखा है, तो उससे क्या दिक्कत है? ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि जो ब्रिटिश पीरियड के जो नोटिफिकेशंस हैं और 1960s तक के जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें खाली मॉन्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं डिफाइन किया कि कितना ज़मीन उसके वो है। तो ये रिकॉर्ड्स हमको, हमारे पास कुछ जो फिजिकल पोजीशन है, जैसे आज बीबी का मकबरा का जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि निज़ाम्स ने जब हैंडओवर किया या इंडियन गवर्नमेंट ने लिया उसको, मैं हैदराबाद में था, वहाँ पे मुझे गोलकुंडा में प्रॉब्लम आई, चार मीनार के लिए प्रॉब्लम आया, तो मैंने वहाँ पे बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन वैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिस तरह के हम इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा एक प्लान बना रहता है, उसमें मॉन्यूमेंट प्लस उसके साथ कितना ज़मीन है वो दिखाया जाता है, तो ये चीज़ नहीं हुआ। और ये ASI अभी कोशिश कर रही है कि जो नोटिफिकेशंस ब्रिटिश पीरियड के और जिसमें ये डिटेल्स नहीं है उसको हम फिर से रीवैलिडेट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये अभी प्रोसेस में है। तो अभी आपका जो स्टेटस है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इसलिए बोला जा रहा है, हमने 2-3 जगह में भी जैसे पैटर्न में भी किया गया, वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ का भी लैंड का जब नंबर्स चेंज हुए, वो ओनरशिप खाली नंबर्स चेंज हो गए लेकिन ओनरशिप ASI का नहीं डाला उन्होंने, तो अभी हमने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया कि वहाँ पे भी चेंज करो। तो इस तरह से हर जगह में प्रॉब्लम है। अब अंकाई केव्स है वो कहाँ पे, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला हमको जॉइंट सर्वे करके उसका हमको एरिया बताओ, 5.5 लाख रुपये का हमसे फी मांगा, क्योंकि वो 4 गांव के बीच का जगह है, कितना बड़ा जगह है हमें नहीं मालूम, कि 5.5 लाख रुपए लगेगा उसका वो करने के लिए। लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अगर हमको हेल्प करे, हमारे जो 75 मॉन्यूमेंट्स है औरंगाबाद सर्किल के अंडर में, आपका टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, तो इन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर करें और एक जॉइंट इंस्पेक्शन करके एरिया डिफाइन कर दे हमारा कि ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपका ज़मीन है, तो हम उसको कट इन करके बंद कर दे और जो भी एनक्रोचमेंट हटा दे, तो वंस एंड ऑल फॉर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये बार बार आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसके लिए कुछ आप ऊपर बताएंगे या ऊपर सेंट्रल से कुछ डिमांड करेंगे? देखिए, हम खाली ऊपर लिख सकते हैं, हम हमारे लेवल से जितना होता है हम कलेक्टर को, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखते हैं। सेंटर से बहुत पहले मुहिम हुई थी और अभी भी कुछ कोशिश चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि इसरो के थ्रू हम लोग कर रहे हैं कि हर मॉन्यूमेंट का 100-300 मीटर डिफाइन करके इसको गगन जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड कर देंगे, तो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स को इसको लिंक दिया जाएगा, तो कहीं पर भी कोई एनक्रोचमेंट हो रहा है तो ये हर समय उससे मॉनिटर हो पाए। तो ये PM मोदी साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें थोड़ी अड़चने आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी अप टू डेट उतना नहीं है कि एक्यूरेटली आप वो कर पाए, लेकिन ग्रेजुअली अभी बॉम्बे और दिल्ली में ये लागू हो गया है और धीरे धीरे पूरे देश में भी हो जाएगा। सर, बीबी का मकबरा में आप रात में 10 बजे तक कोई उसका जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, लाइट शोज उसमें डिजाइन कर रहे हैं, क्या किस तरह से वो करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बीबी का मकबरा 10 बजे तक खुली रहती है, लेकिन मेरा इच्छा है, क्योंकि इंडिया में ASI बहुत ही कम मॉन्यूमेंट्स को रात को 10 बजे तक खोल के रखते हैं, और बीबी का मकबरा आप देखेंगे तो ये डेक्कन का ताज है, और अभी जो इल्यूमिनेशन है बहुत कम है, आप चारों एरिया नहीं देख पाते, खाली बीच का मीनार ये जो मकबरा है उसी के ऊपर हम इल्यूमिनेशन करते हैं। मैंने आपको जिस तरह से दिखाया कि कराड़ साहब का इच्छा था, MTDC भी मैंने हम भी चाहते हैं कि लोगों को अच्छा दे, आगा खां पैलेस को हमने इल्यूमिनेट किया है,
उस तरह से इसको भी अगर इल्यूमिनेशन हो जाता है तो जो टूरिस्ट रात को आ रहे हैं उनको एक अच्छा परसेप्शन मिलेगा मॉन्यूमेंट का। और उसके मारे अगर ये हम जो AMC के साथ मिलके कर रहे हैं कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करके बीच से कोई ट्रैफिक, कोई वेंडिंग, कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसमें लोगों को समय बिताने के लिए, घूमने के लिए, प्लस हम चाहते हैं कि वहाँ पे मॉर्निंग वॉकिंग ट्रैक उस तरह का भी कर दें, तो ऐसे एक वो प्रोविजन है जहाँ पे बड़ा स्पेस है तो हम मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग के लिए भी लोगों को अलाउ करते हैं। तो अच्छी तरह से अगर वो डेवलप हो जाए तो ये एक बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है सिटी के अंदर, कि जो इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं दिन भर ऑफिस करके, रात को क्योंकि 10 बजे तक ओपन है तो रात को स्ट्रॉल करने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ औरंगाबाद में कहीं नहीं है, क्योंकि मैं हैदराबाद में था तो मुझे वहाँ रात को हुसैन सागर के चारों तरफ घूमने के लिए ये सब बहुत सारे जगह थे, लेकिन औरंगाबाद आने के बाद अब आप ऑफिस से गए और घर के अंदर एक ही मॉल है पूरे सिटी में, तो लोग अगर आते हैं तो शाम को क्या करें। तो यहाँ पे भी अगर कुछ उस तरह से एवेन्यूज निकल जाए तो मेरे पास खाली एक मॉन्यूमेंट है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लोग, आप लोग हेल्प करें तो इसको कम से कम ऐसा ही डेवलप कर पाएगा। कब तक डेवलप करने की आपका प्लान है? डेवलप तो मैं आपको, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक स्पॉन्सर चाहिए इल्यूमिनेशन के लिए। यहाँ इतने सारे इंडस्ट्रीज है, ये ओपन इनविटेशन है, जो भी अगर करना चाहता है, वही कंडीशन है ASI का कि 5 साल का मेंटेनेंस उनको करना है CSR फंड के थ्रू, सबके लिए ओपन है अगर आप करना चाहते हैं। DG ऑफिस भी मेरा तैयार है देने के लिए, लेकिन एक ही कंडीशन है, 5 साल का मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। सर 13 जिलों के 75 मॉन्यूमेंट्स की आपने भी बात की, इट्स अ वेरी बिग कैनवस, ये बहुत बड़ी एरिया है, इसका जॉइंट मैनेजमेंट सर्वे, जॉइंट सर्वे होना चाहिए, लैंड सर्वे आपका कहना है। सर ये इतना बड़ा इलाका है, ये किसी आदमी से नहीं हो सकता, इसको आप CM को या फिर टूरिज्म मिनिस्टर को मानव करके लिखेंगे एज अ ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 28-29 को मीटिंग हुई